अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली दस्तरखान। आज बनाने जा रहे हैं चना मसाला। इसे हम बहुत ही जल्दी बनाने वाले बताएं। ये बहुत ही कम मसाले में बनाएंगे और बिगर बघाड़े हुए इसको बनाएंगे। ये देखिए, हमने चना ले लिया है। एक कप चने को हमने भिगो दिया था रात भर। ये हमने एक टमाटर, दो प्याज, पाँच हरी मिर्च और धनी की पत्ती और कड़ी पत्ती को लिया है। इन सारी चीज़ों को हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारी चीज़ों को कट कर लिया है। चने में हमने थोड़ा पानी डाला है, आधा कप इतना। चने के नीचे ही पानी होना चाहिए क्योंकि फिर और देर तक सुखाना पड़ेगा। बाकी हमने ये सारी कटी हुई चीजें इसमें शामिल कर दी है। अब हम इसमें तेल शामिल कर देंगे। हमने एक चम्मच तेल शामिल कर दिया है, बड़े चम्मच से। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो वो शामिल कर सकते हैं। हमने राई का तेल लिया है। ये हमने आधा चम्मच हल्दी की बुक्की शामिल की है, हल्दी पाउडर। ये हमने थोड़ी सी इमली लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। हमको चाट मसाले वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, हमने पानी बहुत ही कम रखा। हमने इसमें एक चम्मच नमक शामिल कर दिया है। इसे हम कुकर की लीड लगा के इसे हम गलने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने 3 सीटी कर लिया है। इसमें हमने पानी कम रखा था इसलिए हमें काफी देर तक सुखाना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, हमारा चना बनके तैयार हो गया है। आप चने को चेक कर लें कि आपका चना गला है या नहीं। अगर नहीं गला हो तो आप थोड़ा पानी डाल के और भी रख सकते हैं गलने के लिए। हमारा चना गल गया था। 3 सीटी में चने अच्छे से गल जाते हैं, अगर चने रात में भीगे हो तो। ये देखिए, हमने इसका पानी खुश करके इसे निकाल रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, इसे आप जरूर बनाएं। ये सुबह के नाश्ते के टाइम पे, शाम के नाश्ते के टाइम पे आप बना सकते हैं। देखिए कितना बेहतरीन बनके तैयार हुआ है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, काफी देर तक भूख का एहसास होने नहीं देता है। ये डाइट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसे आप रेगुलर सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं।